अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वजीहुल हसन। आज मेरा टॉपिक है फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है ये इट प्रोवाइड स्पेस, यानी कि सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, जितनी भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं सेल के साइटोप्लाज्म में, इन ऑर्गेनेल्स को रूम प्रोवाइड करने का काम साइटोप्लाज्म ही करता है। साइटोप्लाज्म जो कि लिक्विड पोर्शन है ये इन ऑर्गेनेल्स को स्पेस प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। इन ऑर्गेनेल्स को काम करने के लिए जो प्रॉपर रूम है, स्पेस है, वो साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है, विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और साल्ट्स भी इसमें स्टोर होते हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी डिसॉल्व होते हैं और एंजाइम्स जो कि वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं वो साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होते हैं। डिफरेंट रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ कंपोनेंट्स सेल के, वो भी इसके अंदर, इवन वेस्ट मटेरियल्स भी सेल के साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं। और इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स जो कि बायोसिंथेटिक मैकेनिज्म से तैयार किए जाते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस के प्रोसेस से, वो भी इसमें स्टोर होते हैं। और वेरियस साल्ट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, वो भी इसके अंदर डिसॉल्व होते हैं। साइटोप्लाज्म इज आल्सो साइट ऑफ मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस, अ लॉट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं। हमारी बॉडी में जो सेल्स के अंदर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में भी हो रहे हैं। उनमें एक इम्पॉर्टेंट है, वो साइटोप्लाज्म में जो रिएक्शन हो रहा है वो ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। इस तरह से वुड को बर्न करने के लिए, जलाने के लिए ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसी तरह से ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं। हाँ, ग्लूकोज की जो ऑक्सीडेशन है ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होती है और प्रेजेंस में भी होती है इनटू पाइरूविक एसिड, और इसके प्रोसेस में एटीपी सिंथेसाइज होता है। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस आल्सो टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म और अक्कर इन साइटोप्लाज्म। इसमें इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो ग्लाइकोलाइसिस की है। इसमें C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिकुलर फार्मूला, इसको ब्रेक डाउन किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ATP।